Hello my dear students today we are going to start a new chapter chapter number 11 the robin it is a poem okay so let's start the poem first i will recite the poem and you have to follow me after that i will explain the whole poem okay Charlie, let's start the poem robin sang sweetly when the days were bright robin sang sweetly when the days were bright thanks thanks for summer he sang with all his might thanks thanks for summer he sang with all his might okay robin sang sweetly in the autumn days there are fruits for everyone let all give praise robin sang sweetly in the autumn days there are fruits for everyone let all give praise in the cold and wintry weather, still hear his song. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, when the spring came back again, he sang, I told you.

तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका फेवरेट सीज़न होता है समर सीज़न और समर सीज़न उनको इसलिए पसंद होता है क्योंकि उन्हें आइसक्रीम खाने का मौका मिलता है और बहुत सारी वेकेशन होती है जिसके कारण वो अपने नाना नानी और दादा दादी के यहाँ जाना पसंद करते हैं तो मोस्टली बच्चे बोलते हैं समर सीज़न और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें विंटर सीजन पसंद होता है ठंडी के समय ठंडी के दिन जैसे कि अभी चल रहा है विंटर सीज़न वैसे ही ठीक है इफ़ यू आर सेड वॉट डू यू डू टू मेक यूर सेल्फ हैप्पी अगर आप किसी बात से कभी भी किसी बात से दुखी हैं तो आप अपने लिए क्या करेंगे कि आप हैप्पी हो जाए तो सबसे अच्छा आ, अपना जो सैडनेस दूर करने का तरीका है सॉन्ग सुनना या सॉन्ग गाना ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पोयम ये जो पोयम है दिस पोयम इज़ अ वेरी स्वीट पोयम ये जो पोयम है इसमें एक छोटी सी बर्ड है जिसका नाम क्या है रॉबिन ओके नाउ लेट स्टार्ट रॉबिन सेंग स्वीटली वेन द डेज वर ब्राइट मतलब रॉबिन हमेशा गाना गाती है चाहे जो डेज है वो कितने भी ब्राइट हो डेज वर ब्राइट मतलब सम डेज दे, ब्राइट कब होते हैं समर में होते हैं मतलब डेज ब्राइट का मतलब होता है सूरज की रोशनी पूरी तरीके से जो गर्मी फैलाती है उसको बोला जाता है अगर जब सूरज आपने देखा होगा समर सीज़न में जब भी सूरज निकलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमेशा उजाला रहता है जो डेज़ होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं तो रॉबिन जो चिड़िया है ये बर्ड है ये हमेशा गाना गाती है चाहे तो समर के दिनों में जब इतनी गर्मी पड़ती है और डेज बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा सूरज की गर्मी होती है तब भी रॉबिन गाना गाती है और बहुत ही प्यार से गाती है रॉबिन सैंग स्वीटली वेन द दे डेज़ वर ब्राइट थैंक्स थैंक्स फॉर समर ही सेंग विद ऑल हिज माइट और रॉबिन ये ये समर सीजन के बारे में बता रहे हैं जब समर सीजन होता है और सन बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है डेज बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं तो तो भी जो रॉबिन है वो बहुत ही स्वीटली गाना गाती है और समर को थैंक्स बोलती है और पूरी कोशिश करती है पूरी ता, ताकत लगा देती है गर्मी में गर्मी के दिन में भी अच्छे से गाना गाने के लिए ही सेंग विद ऑल his माइट माइट का मतलब होता है पावर ताकत वो अपनी पूरी ताकत लगाती है गर्मियों के दिन में भी बहुत अच्छे से गाना गाने के लिए रॉबिन सेंग स्वीटली इन द ऑटम डेज देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन लेट ऑल गिव प्रेस और रॉबिन सेंग स्वीटली इन द ऑटम डेज ऑटम डेज का मतलब क्या होता है ऑटम भी एक सीज़न होता है और ऑटम सीजन मतलब होता है इन द सीज़न ऑफ ऑटम विच कम्स आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर मतलब अभी जो देखो अभी ठंड के दिन चल रहे हैं विंटर सीज़न चल रहा है बस अभी दस पंद्रह दिन बाद कौन सा सीज़न शुरू हो जाएगा ऑटम और ये ऑटम सीज़न कब आता है जब विंटर ख़त्म होता है उसके बाद और समर शुरू होने से पहले जो सीज़न आता है उसे हम ऑटम सीज़न बोलते हैं तो रॉबिन समर सीजन में भी बहुत अच्छे से गाना गाती है पूरी अपनी पावर लगा के यहाँ पर पावर लगाना इसलिए बोला गया है क्योंकि जो समर होता है समर में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं और हमारी पावर कम होती है उस समय में पर जो रॉबिन हैं वो समर में अपनी पूरी ताकत लगा के समर को थैंक्स बोलती है मतलब समर सीजन को थैंक्स बोलती है और बहुत ही प्यारा गाना गाती है ठीक है और ऑटम डेज में भी रॉबिन सेंग स्वीटली देर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन लेट ऑल गिव प्रेस तो आपने देखा ही होगा कि ये जो ऑटम डेज होते हैं ऑटम सीजन होता है इसमें हर प्रकार के फ्रूट्स आते हैं ठीक है मतलब सभी के लिए बहुत सारे फ्रूट्स पेड़ों पर भी दिखाई देते हैं तो इसलिए रॉबिन ऑ ऑटम डेज में भी बहुत अच्छे से गाना गाती है रॉबिन सेंग स्वीटली इन द ऑटम डेज एंड ही सेड थैंक्स टू एवरी वन और ही बिकॉज देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरी वन क्योंकि वो सबको थैंक्स इसलिए बोल रही है ऑटम डेज को भी क्योंकि ऑटम में क्या होता है पेड़ों पर बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं सभी पक्षियों के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए सब के लिए बहुत सारे फ्रूट्स हमें मिलते हैं इसलिए लेट ऑल गिव प्रेस मतलब वो सबको इसीलिए थैंक्स बोलती है सब इसीलिए उन ऑटम डेज की भी वो ऑटम डेज को भी वो प्रेस करती प्रेस करना मतलब प्रशंसा करना ठीक है देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ही फर्स्ट एंजा में ये था कि रॉबिन समर डेज में भी बहुत स्वीटली सा गाना गाती है और उस चाहे समर में कितना भी ब्राइट डेज हो ब्राइट डेज का मतलब कितनी भी गर्मी हो फिर भी वो अपनी पूरी पावर के साथ बहुत ही अच्छे से गाना गाती है उसी तरीके से रॉबिन जो है जब ऑटम डेज आते हैं ऑटम डेज में भी रॉबिन बहुत ही प्यारा गाना गाती है रॉबिन सैंग स्वीटली और सबको क्या करती है सबको प्रेस करती है प्रेस करना मतलब सबकी प्रशंसा करती है सबकी तारीफ़ करती है क्यों करती है ऑटम डेज में भी क्योंकि ऑटम डेज में सभी के लिए फ्रूट्स फॉर एवरीवन सभी के लिए चाहे वो बर्ड्स हो एनिमल्स हो ह्यूमन बीइंग हो सब के लिए डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खाने को मिलते हैं इसलिए वो सबको प्रेस करती है नाउ नेक्स्ट स्टैंडा थर्ड स्टैंडा इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हियर है सॉन्ग संबडी मस्ट सिंग सेट रॉबिन और विंटर विल सीम लॉन्ग जब कोल्ड सीजन होता है कोल्ड मतलब ठंडी का समय एंड विंटरी वेदर विंटरी मतलब विंटरी वेदर का मतलब ठंडा विंटर वैद, जो वेदर है वो पूरा कोल्ड होता है ठंडा होता है ठीक है तो जब ठंडी के दिन होते हैं तब भी हमें रॉबिन का गाना सुनाई देता है देखो कितनी प्यारी लगी लग रही है ये छोटी सी चिड़िया जिसका नाम क्या है रॉबिन और विंटर के उसने ड्रेस पहने मफलर पहने हैं इयर एयर uh, पफ लगाया है और उसके बाद भी उसके गाने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है समबडडी मस्ट सिंग सेड रॉबिन और विंटर विल सीम लॉन्ग तो अब उससे सब पूछते हैं कि क्यों तुम गाना विंटर में तो सब आराम करते हैं विंटर ठंडी का मौसम होता है कोल्ड होता है तो विंटर में सब आराम करते हैं तो तुम भी आराम करो तुम क्यों गाना गाती हो पर हम विंटर सीजन में भी रॉबिन का हमें गाना सुनाई देता है स्टिल ईयर हीयर हिज सॉन्ग सम्बडी मस् सिंग सेड रॉबिन तो रॉबिन ये बोलती है रॉबिन कहती है कि मुझे मतलब किसी ना किसी को तो विंटर में भी गाना गाना पड़ेगा नहीं तो विंटर हमें बहुत ही लंबा समय लगेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है द स्प्रिंग केम बैक अगेन जब स्प्रिंग वापस आता है स्प्रिंग मतलब बसंत का सीजन स्प्रिंग का मतलब द सीज़न विच कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है विंटर के बाद और समर से पहले जो सम आ, मौसम आता है उसे क्या बोला जाता है स्प्रिंग सीजन बोला जाता है द स्प्रिंग केम बैक अगेन जब स्प्रिंग सीजन वापस आता है ही सैंग आई टोल्ड यू सो और तब रॉबिन बोलती है मैंने कहा था सबको कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर कि अगर हम पूरी विंटर में गाना गाते रहेंगे तो इट विल ऑलवेज गो तो वो जल्दी चले जाएगा ठीक है समझ में आया यहाँ पर जो एक छोटी सी चिड़िया है रॉबिन वो हर सीज़न में बहुत ही स्वीटली गाना गाती है और क्यों गाती है हर सीज़न का वो एप्रिशिएट करती है प्रेस करती है समर डेज में भी वो अपनी पूरी ताकत लगा कर गर्मी का समय होता है तो भी वो अपनी पूरी पावर लगा कर गाना गाती है फिर जब ऑटम डेज आते हैं तो ऑटम डेज में सबसे पहले तो वो हर जो ट्रीज हैं और उन सबको और ऑटम डेज को प्रेस करती है क्यों प्रेस करती है क्योंकि ऑटम में सभी के लिए फ्रूट्स हर पेड़ों पर मिलते हैं ठीक है और जब विंटर सीजन आता है तो भी विंटर सीज़न में जो रॉबिन है वो आराम नहीं करती वो क्या करती है उसका गाना हमें कंटिन्यूसली सुनाई देता रहता है क्यों सुनाई देता रहता है क्योंकि रॉबिन बोलती है किसी ना किसी को तो गाना गाना चाहिए विंटर में भी नहीं तो विंटर सीजन बहुत ही लंबा सीज़न हमें लगेगा और जब स्प्रिंग आता है तो रॉबिन बहुत खुश हो जाती है और रॉबिन बोलती है कि आई टोल्ड यू सो मैंने कहा था तुम्हें कि अगर कोई विंटर में गाना गाएगा तो ये जल्दी विंटर सीजन चला जाएगा ठीक है सो दिस इज़ द होल पोएम चलिए अब वर्ड्स टू नो में फर्स्ट दिया हुआ है माइट माइट मीन्स पावर एंड स्ट्रेंथ ठीक है सेकेंड इज विंट्री वेदर विंट्री वेदर का मतलब होता है कोल्ड वेदर थर्ड इज ऑटम डेज ऑटम डेज का मतलब होता है इन द सीज़न ऑफ ऑटम विच कम्स आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर समर के बाद और विंटर के पहले जो सीज़न आता है उन्हें ऑटम डेज कहते हैं एंड विंट्री आफ्टर दैट स्प्रिंग जो है स्प्रिंग की मीनिंग होती है द सीज़न विच कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर मतलब स्प्रिंग सीजन कब आता है विंटर के बाद और समर से पहले आता है नाउ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ए टिक द करेक्ट आंसर्स फर्स्ट इज द रॉबिन सेंग क्या आएगा इसमें बी स्वीटली ठीक है सेकेंड इज द रॉबिन कैप्ट सिंगिंग थ्रू विंटर सो दैट सी विंटर वुड सी नॉट सीम सो लॉन्ग थर्ड इज द रॉबिन सेंग ए सेंग ओनली इन विंटर बी इंजॉयड द कोल्ड विंट्री वेदर और सी सेंग स्वीटली ऑल ईयर राउंड तो आएगा इसका आंसर सी सेंग स्वीटली ऑल ईयर राउंड नाउ फोर्थ इज द रॉबिन वॉज वेरी रॉबिन वॉज वेरी ए वाइज बी सेल्फिश और सी हेल्पफुल तो इसका आएगा आंसर फोर्थ का द रॉबिन वॉज वेरी वाइज तो इसका आंसर आएगा ए वाइज ठीक है चलिए बी फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फर्स्ट है ही सेंग विद ऑल हैज़ माइट यू हैव टू राइट देयर माइट एम आई जी एस टी माइट second is let all give praise for the fruits now third is if one sings through winter it will always go okay चलिए यहाँ तक फिनिश हो गया हमारा चैप्टर इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी ओके okay?